नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एनएक्स ऑडियो के RX 3000 एम्पलीफायर के बारे में जानकारी देंगे। एम्पलीफायर कैसा होता है, कैसे क्या काम करता है और इसकी क्या क्या सेटिंग्स होती है और किन चीज़ों का इसमें प्ले करते टाइम ध्यान रखना चाहिए। यह एनएक्स ऑडियो का 3000 वाट का एम्पलीफायर होता है। इस पर RX 3000 करके मॉडल नंबर आता है। ये सामने इसमें एयर कूलिंग के लिए जो एयर बाईपास बनाया हुआ होता है, इसमें अंदर फैन होते हैं पीछे, तो यहाँ सामने से एयर लेते हैं फैन और पीछे एग्जॉस्ट करते हैं जिससे इसके चैनल कूल होते हैं। यह इसका पावर ऑन ऑफ स्विच होता है और ये 3 LEDs इसके आप देख पा रहे होंगे प्रोटेक्ट पावर और प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो जब कभी एम्पलीफायर में फॉल्ट आता है तो ये प्रोटेक्ट की लाइट जल जाती है और वैसे नॉर्मल एम्पलीफायर ऑन करेंगे तो तीनों लाइट एक साथ जलेगी, फिर बंद हो जाएगी, पावर की LED जलती रहेगी। ऐसे ही चैनल ए और चैनल बी का वॉल्यूम और LED इंडिकेटर है जो एम्पलीफायर के ऑन होने पे चलता रहता है। इस पे LEDs ब्लिंक होएगी और जितना अपन ये वॉल्यूम ऑन ऑफ करेंगे जितना अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप इसके पीछे का रिव्यू देख पा रहे होंगे, इसमें पीछे क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे क्या सेटिंग होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेन तो इसमें दो तो ये कूलिंग के लिए पंखे लगे हुए थे, चैनल ए और चैनल बी के लिए फैन लगा हुआ होता है। इसके जस्ट पास में ये पावर के लिए सॉकेट होता है, इसमें पावर लीड लगता है। इसको मोस्टली कंप्यूटर टाइप बोलते हैं कि कंप्यूटर वाला केबल या पावर एम्पलीफायर के केबल ऐसे आते हैं, ये इसमें फ्यूज होता है। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको खोल के इसमें फ्यूज चेंज कर सकते हैं। इसके जस्ट पास में ये स्पीकर के वायर, डायरेक्ट वायर लगाने के लिए टर्मिनल्स दिए हुए थे। ये चैनल ए और चैनल बी का होता है, ये चैनल ए का लिखा हुआ है नीचे वाला और ये चैनल बी का प्लस माइनस रेड कलर प्लस होता है, ब्लैक माइनस होता है। ऐसे ही इसमें बीच में एक आप डायग्राम देख पा रहे होंगे कि चैनल ए बी और बीच में लिखा हुआ है ब्रिज, ये देख पा रहे होंगे ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है दोस्तों कि जब कभी अपन को पावरफुल स्पीकर चलाना होता है तो उस टाइम पे एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे किया जाता है और ऊपर वाला जो रेड सॉकेट है वो माइनस के रूप में काम आता है और नीचे वाला रेड सॉकेट प्लस के रूप में काम आता है। तो इस पे लिखा हुआ होता है, ये देखिए आप, ये माइनस का सॉकेट हो जाएगा, ये प्लस का सॉकेट होगा और ब्रिज की सेटिंग में ये दोनों तार यहाँ से निकलेंगे। और ब्रिज की सेटिंग कैसी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि स्पीकर के वायर तो ये दोनों रेड टर्मिनल पे कनेक्ट होंगे और यहाँ से एम्पलीफायर का देखिए आप ये लिखा हुआ आ रहा है स्टीरियो ब्रिज पैरेलल, इस स्विच को ब्रिज पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जब एम्पलीफायर ब्रिज पे हो जाएगा। जब आपका एम्पलीफायर ब्रिज पे होएगा तो चैनल 2 काम नहीं करेगा, चैनल 1 से ही आपका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और चैनल 1 ऑन करेंगे और आवाज़ जो है यहाँ से इस दोनों टर्मिनल से निकलेगा। ये स्पीकोन के लिए ए और बी का स्पीकोन सॉकेट होता है। यहाँ पे ये XLR चैनल ए और चैनल बी का XLR इनपुट होता है और ऐसे ही साथ में जैक इनपुट होता है, जो भी आपके पास कनेक्टिंग लीड हो या जो जैसी भी आपके पास सुविधा हो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये ग्राउंड होता है, ग्राउंड जब कभी काफ़ी सारे एम्पलीफायर लगाने पड़े स्टेडियम पे 10, 20, 50 तब ये ग्राउंड ऑन करके मशीन्स का एम्पलीफायर्स का ग्राउंड बनाना पड़ता है, तब इसको ऑन करना पड़ता है। दूसरा ब्रिज स्टीरियो पैरेलल है। ब्रिज पे अभी आप मैंने बताया कि दोनों चैनल की पावर एक जगह करने के लिए ब्रिज पे सेलेक्ट करना पड़ता है स्टीरियो। जब दोनों चैनल को लेफ्ट राइट ए चैनल बी का दोनों का सिग्नल इनपुट करे तो स्टीरियो रहेगा और चैनल ए में सिग्नल देके दोनों चैनल को प्ले करने के लिए पैरेलल की सेटिंग्स होती है। अब नीचे आ जाते हैं सेंसिटिविटी पे, तो एम्पलीफायर में सिग्नल कितना दे रहे हैं, जो XLR दोनों ये दोनों XLR है उनका कितना परसेंट सिग्नल एम्पलीफायर में जाए, तो उसके लिए ये सेलेक्टर स्विच होता है। तो इसमें 0.775 होता है, 1.0 वोल्ट होता है और 1.44 वोल्ट होता है। तो अगर स्पीकर अपना हल्का होता है या कम वोल्टेज का होता है तो इसको 1.0 पे रखो या 1.4 पे रखो, और अगर स्पीकर हेवी है आवाज़ ज़्यादा चाहिए तो इसको 0.75 पे रखते हैं। ये नीचे इसका क्रॉस फिल्टर नेटवर्क, जो क्रॉसओवर बोल सकते हैं अपन इसको, साउंड का फिल्ट्रेशन, तो लो पास, बाईपास और हाई पास होता है। लो पास पे बेस के लिए, लो पास पे काम में लिया जाता है, बाईपास पे मिड बेस के लिए काम में लिया जाता है और हाई पास पे केवल बेस मिड आएगा, ट्रेबल भी कट हो जाएगा, बेस कट हो जाएगा, खाली मिड ही आएगा इस पे मिड बेस दोनों आएगा और इस पे लो पास पे केवल बेस आएगा। ये इसकी सेटिंग्स होती है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे इसकी सेटिंग्स और इसका अंदर की रिव्यू के लिए मैं इसको एम्पलीफायर को एक बार ओपन करता हूँ, फिर आगे का अंदर का डिटेल आपको बताता हूँ।
यह एम्पलीफायर से अंदर आप देख पा रहे होंगे, अंदर से ऐसा कुछ ये लगता है सारा। इसमें ये इसका मेन सप्लाई ट्रांसफार्मर होता है, ये जो बड़ी साइज का जो आप देख पा रहे होंगे गोल में, ये ट्रांसफार्मर होता है। जो एसी सप्लाई मेन आता है उसको ये एसी सप्लाई को लेके और सप्लाई पे कन्वर्ट करके देता है। ये सप्लाई के कंडेंसर होते हैं, इन पे एनएक्स ऑडियो की मार्किंग आती है 10,063 वोल्ट के। इस पे एक 8 कंडेंसर लगे हुए होते हैं दोस्तों। ये इसका पीछे का इनपुट बोर्ड और स्पीकर आउटपुट के सॉकेट हो गए। ये चैनल ए का बोर्ड हो गया और इस साइड में ये चैनल दो का बोर्ड हो गया। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है दोस्तों, कभी अपन साइड चल रही है, चलती साइड में एम्पलीफायर में फॉल्ट आ गया, चैनल ए या बी में से कोई भी एक चैनल प्रोटेक्ट दिखा रहा है सामने, ये जो लाइट होती है एलईडी वाली, ये प्रोटेक्ट दिखाने लग गई, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि इमरजेंसी में साइड निकालनी है तो जो भी एम्पलीफायर आपके पास है, तो जिधर जिस साइड का एम्पलीफायर प्रोटेक्ट आया तो उस साइड का आप ये जो पिन होता है सप्लाई में लगा, इस पिन को निकालेंगे, 3 पिन का एक सॉकेट बनाओ, इसको निकाल देंगे तो वो जो फॉल्टी चैनल है आपका, ये प्रोटेक्ट में चैनल है, वो हट जाएगा और जो ऑन चैनल है वो आप काम में ले पाएंगे। तो ये इमरजेंसी में काम करने के लिए आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पलीफायर को बंद करके पावर ऑफ करके ही काम में ले, नहीं पावर शॉक लगने का इसमें काफी खतरा बना रहता है, काफी हाई वोल्टेज इसमें चलता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए बने रहिए शिवा डीजे उसके चैनल्स पे। धन्यवाद।